कैरेट केक बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे हाफ कप कर्ड जो बिल्कुल रूम टेम्परेचर में है और उसमें हम ऐड करेंगे 3/4 कप चीनी पाउडर। मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी ले लिया था, उसके बाद मैंने इसे पाउडर किया है। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि दही में बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप रूम टेम्परेचर मिल्क। अब इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे नॉर्मल हैंड विस्क से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ही वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर रख के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 1 कप और उसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, यहाँ पे मैंने लिया है इलायची पाउडर 1 टीस्पून और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी पाउडर 3/4 चम्मच। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर ना हो तो आप चीनी को ग्राइंड करते वक्त ही 1-2 इंच दालचीनी डालकर इसे ग्राइंड कर ले। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे ही वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ग्रेट किया हुआ कैरेट और इसे भी अपने बैटर में बिल्कुल हल्के हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम जैसे ही बेक करने के लिए मोल्ड में डालेंगे उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून प्लेन व्हाइट विनेगर। इसे फटाफट अपने इस बैटर में हम मिक्स कर लेंगे और चलिए अब हम इसे पोर कर लेते हैं अपने मोल्ड में। यहाँ पे मैंने मोल्ड को ऑलरेडी बेकिंग पेपर से लाइन कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे बेक करने। तो लीजिए हमारी स्पाइस्ड कैरेट केक बिल्कुल तैयार है और ये अब एकदम रूम टेम्परेचर में आ गई है। तो अब चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो स्पाइस्ड कैरेट केक है बनकर तैयार है। आप इसके एयर पॉकेट्स देख सकते हैं और आपको छोटे छोटे कैरेट्स के पीसेस भी दिख रहे होंगे। ये केक बहुत ही ज्यादा लाइट एंड स्पंजी है। तो आप इस टी टाइम केक को जरूर ट्राई करें। एगलेस रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन जाती है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर इजीली अवेलेबल है। तो आप इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।